मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने एक साथ एक से बढ़कर एक गाने गाए। तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। इन दोनों महान गायक गायिका के गाए गाने आज भी सुनने वालों के दिलों पर जादू करते हैं। दिल पुकारे अभी राजा मेरे साथी। पूरी दुनिया इन दोनों के गानों की दीवानी हो गई। मेरे जीवन की तुम। जब भी दोनों ने एक साथ मिलकर गाने गाए तब भी दोनों की आवाज ने जादू किया, और जब दोनों ने अलग अलग गाने गाए तब भी सुनने वाले आनंद से विभोर हो गए। तेरी नीली नीली आँखों के दिल पे तीर चल गए जब आती होगी याद मेरी तेरा दिल तो। रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच अनबन होने के कारण दोनों ने करीब 3 साल तक एक दूसरे के साथ गाने नहीं गाए, लेकिन इस अवधि को छोड़ दिया जाए तो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने एक दूसरे के साथ गीत गाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। आवाज देके हमें तुम बुला। लेकिन एक मौका ऐसा आया जब संगीतकार ने लता मंगेशकर के बजाय उनकी छोटी बहन आशा भोसले से एक गाने को मोहम्मद रफी के साथ गवा लिया। इसके बाद लता मंगेशकर उस संगीतकार से ऐसी नाराज हुई कि उन्होंने उस संगीतकार के लिए गाना ही बंद कर दिया। कौन सा वह गाना है और कौन से वे संगीतकार हैं? क्या है उस गाने के बनने की कहानी? इस वीडियो में इस बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1967 में दिलीप कुमार, वहीदा रहमान और मुमताज स्टारर एक फिल्म आई थी, राम और श्याम। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले। ये फिल्म हिट साबित हुई और 1967 में बॉक्स ऑफिस पर दूसरे स्थान पर रही। तू है साथी, मैं हूँ शराबी शराब। इसका निर्देशन थापी चाणक्या ने किया था। इसमें निरूपा रॉय और प्राण ने भी भूमिकाएं की थी। प्यार के रंग में रंग जाएंगे सब अपने पे। बाद में इस फिल्म की प्रेरणा लेकर कई फिल्में बनी जिनमें हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और संजीव कुमार स्टारर फिल्म सीता और गीता, 1973 में रिलीज हुई फिल्म जैसे को तैसा, 1989 में रिलीज हुई फिल्म चालबाज, 1990 में रिलीज हुई फिल्म किशन कन्हैया और 1994 में रिलीज हुई फिल्म गोपी किशन शामिल हैं। इस फिल्म में शानदार भूमिका के लिए दिलीप कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। होश उल्फत में गवा के बेखुदी के ये तराने। फिल्म के गीतों को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत दिया था संगीतकार नौशाद ने। धीरे धीरे बोल ऐसे बोल कोई सुन ले, बारे कोई सुन ले। बात करें संगीतकार नौशाद की तो लता मंगेशकर के फिल्म संगीत की दुनिया में आने से पहले वह शमशाद बेगम से गीत गवाना पसंद करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने लता मंगेशकर को आगे बढ़ाया। नौशाद ने लता मंगेशकर से पहली बार साल 1949 में चांदनी रात में गाना गवाया था। गाने के बोल थे, उन्नीस सौ 1951 में ही आई दीदार फिल्म के बाद संगीतकार नौशाद लता मंगेशकर की आवाज को ज्यादा तरजीह देने लगे। साल 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा में नौशाद ने शमशाद बेगम को पीछे रखकर हीरोइन पर फिल्माए जाने वाले गाने लता मंगेशकर से गवाए। याद किसी की जब जब आए लागे दिया पे तीन, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ मुझे भूल गए सांवरिया। इसके
बाद लंबे समय तक संगीतकार नौशाद ने लता मंगेशकर से गाने गवाए, लेकिन नौशाद ने फिल्म राम और श्याम में मोहम्मद रफी के साथ एक गाने को लता मंगेशकर के बजाय उनकी छोटी बहन आशा भोसले से गवा लिया। बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते मैं तो हार गई। ये गाना दिलीप कुमार और मुमताज पर फिल्माया गया था। ये गाना बहुत हिट हुआ। इस फिल्म में लता मंगेशकर के गाए गीतों की तुलना में ये गाना कहीं अधिक हिट हुआ। नैनों में भर के प्यार का कजरा अखियां मलते मलते नैना मां। बताया जाता है कि मोहम्मद रफी के साथ इस गाने को लता मंगेशकर गाना चाहती थी, लेकिन फिल्म की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए नौशाद ने इस गाने को आशा भोसले से गवा लिया। नैना मार गई रे, मैं तो हार गई रे, मैं तो। दरअसल फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान पर पिक्चराइज होने वाले गाने को लता मंगेशकर से गवाया गया था। ऐसे में मुमताज पर पिक्चराइज हुए गाने को आशा भोसले से गवाया गया। बताया जाता है कि इस गाने को आशा भोसले से गवाए जाने के बाद नौशाद और लता मंगेशकर के रिश्ते तल्ख हो गए और दोनों के मन में उस तरह का सम्मान नहीं रहा जैसे पहले था। दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिल्मों और गीतों से जुड़ी कोई अन्य जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।